بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کی نماز بھی کیونکہ فجر کی نماز حضور کا وقت ہے اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو یہ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور یوں کہیے میرے رب تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ قاری نجم الثاقب صاحب آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں حمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی آبدی صاحب آبدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے ساتھ ہی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیے جی بہت شکریہ اور ٹاپک ابھی تلاوت
कलाम पाक हमने सुनी मसूर कुन अंदाज में, और आपने खूबसूरत उसका तर्जमा पेश किया। तो ये आयत और ख़ास तौर पे जो आयत आपने पढ़ी जिसका मफहूम के हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। ये आलम इस्लाम बल्कि तारीख इंसानी मैं कहूँ उसके एक बहुत अजीम वाक़े की तरफ इशारा है, और वो है फ़तेह मक्का। हमारा मौजू फ़तेह मक्का तारीख इंसानी में एक बहुत अहम मोड़ है, वो या तारीख इंसानी मैं कहता हूँ जुदा हो जाती है फ़तेह मक्का से पहले और बाद की। इसके समरात क्या थे, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं, और कल आप देख ही चुके हैं कि क्या खूबसूरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे आपने प्रोग्राम किया, और किस दिलनशी अंदाज से पुर मार्फत माना गुफ्तगू आप करते हैं। मौजू भी हमारा ऐसा ही है, ये भी एक खुशी का झोंका, एक बख्शिश का झोंका है फ़तेह मक्का। वक्फे से कबल हमने इस पर बात की, अब इसके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब। हमने फ़तेह मक्का कब हुआ, कैसे हुआ, ये वक्फे से कबल हमने जिक्र किया, अब इसके कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं जो हमने कुछ वक्फे से कबल भी की, कुछ अब कंटिन्यू करते हैं। फ़तेह मक्का का जो एक बहुत अहम पहलू है वो आम माफ़ी है, और इस्लाम का जो अफ़्वो दरगुज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर सामने खुल कर आता है। आम माफ़ी का फ़लसफ़ा क्या था, आपसे भी पूछेंगे और डॉक्टर साहब से भी, कि जब फ़ातेह दाखिल होते हैं इस्लाम से पहले भी, जब यूनान से फ़ातेह चलते थे और सिकंदर आज़म और वो लोग, तो तहस नहस मीनार बनाते चले आते थे वो खोपड़ियों के, और उसके बाद भी हमने देखा तातारी और चंगेज़ी और ये लोग, लेकिन एक बहुत बड़ा लश्कर एक बहुत बड़े दुश्मन इलाके में फतेहयाब होता है और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है। आप जी साहब किबला, ये बहुत आम सवाल है, और हमारे लिए यकीनन ये काबिल गौर और काबिल फ़िक्र बात है, लेकिन अगर अल्लाह की किताब को देखा जाए तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि जिस तरह आपने ये इशारा दिया कि फ़लाँ हुकूमत वाले लोग आते तो वो इसको तहस नहस कर देते, फ़लाँ आए तो तहस नहस कर देते, लेकिन किताबुल्लाह नबुव्वत में और बादशाहत में फ़र्क इससे पहले बता देती। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत आपने, अल्लाह ने इससे पहले बादशाहत और नबुव्वत का जो फ़र्क बताया वो जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उस किस्से में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस किस्से में ज़िक्र फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्किस की तरफ पैगाम भेजा हुदद को गायब पाके, वो सारा वाक़या तफसील, ज़ाहरी बात है आजकल के इस ज़माने में इतनी कोई पोशीदा चीज़ नहीं है, और हम जिस जगह पे बैठे होते हैं वहाँ पूरा तफसील से उस वाक्य को जिक्र किया जाए तो उसके लिए तो एक पूरी किताब बहुत टाइम चाहिए जो कि कम होता है मीडिया में, तो वह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को पैगाम भेजा तो उसने जो जिक्र किया, फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कुछ चीज़ें सामान भेजा तो उसने कहा कि अगर ये उन्होंने कबूल कर लिया तो फिर समझ लग जाएगी कि ये बादशाह हैं, और अगर उन्होंने ये ताइफ कबूल ना किए तो समझ लग जाएगी कि ये बादशाह नहीं है। और वहाँ कुरान ने उसके ज़िक्र को बयान किया, जब उसने मशवरा किया तो मशवरे में उसने अपनी रियाया को ये बताया कि बादशाह जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं तो तहस नहस करके रख देते हैं, इसका मतलब है ये बादशाहत की अलामत है। और हम जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं बादशाहत की नहीं, नबियों के सुल्तान की बात, जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है, और खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाहत और होती है और नबुवत और होती है, यानी ये फर्क तो बिल्कुल वाज़े हो गया। और बहुत से बादशाहत देखनी हो तो सिकंदर के लश्करों को देखें, तातारियों के लश्करों को देखें, और बड़े बड़े सिपाही सालारों के लश्कर को देखें, और अगर नबुवत और आला तरीन नबुवत देखनी हो तो फतेह मक्का को देखें। बस ये अर्ज करने का, फतेह मक्का से अब सामईन और हमें अगर फिक्र
अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और इस बात को तो लाजिमन जहन में रखना चाहिए कि ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हुजूर के बगैर, हुजूर की आल के बगैर और अल्लाह की किताब के बगैर समझ नहीं आता। अब इसमें ये जो फ़र्क है कि बादशाहत और नबुव्वत का जो फ़र्क है, हर जगह पे मलूज़े खातर रहना चाहिए। अब फिर उसमें होता क्या है कि ये फ़र्क नबुव्वत का, नबी किसी पे कब्ज़ा पर ले, नबी की शान है करीम। इस तरह हमने कल जिक्र किया कि करीम इमाम हसन की आप कर रहे थे, करीम करीम अहले बैत, और करीम अहले बैत कर रहे थे कि हसन की बात, करीम होने का जिक्र हमारे सामेईन ने कल सुना कि हसन के करीम होने का आलम ये है, तो हसन के नाना के करीम होने की तो बात ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब, फतेह मक्का तारीख इस्लाम का, और जब हम तारीख इस्लाम कहते हैं तो इसको तारीख इंसानी कहना चाहिए, कि एक अजीब वाकया है कि कितने मजालिम रसूल पाक, उनकी अहले बैत और उनके असहाब पर हुए, और उन्होंने हिजरत की, घरों से निकाल दिया, घर बार छोड़ना पड़ा, दौलत छोड़नी पड़ी, ज़ख्म खाने पड़े, अजियतें सहनी पड़ी, और सबसे बड़ी अजियत खुद रसूल पाक में से ही। आप गए और किस फातिहाना शान से आप 8 हिजरी में वापस आ रहे हैं, अभी वो ज़ख्म ताज़ा होते हैं, कोई 8 साल का अरसा, कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं होता, लेकिन किस फातिहाना शान से दाखिल होकर फिर किस शान से आम माफ़ी का ऐलान हो जाता है। जी हाँ, ये फतह मक्का का एक अहम पहलू जो है, ये आम माफ़ी का ऐलान है, और इसकी वजह से फतह मक्का को, इस वाक़े को एक इनफरादियत हासिल है। बिल्कुल सर, मौला कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वो भी बहुत अहम है। आप फरमाते हैं कि जब आप अपने दुश्मन पर आपको कुदरत हासिल हो, गलबा हासिल हो, तो उसे दरगुजर कीजिए। और ये दरगुजर करना, अफ़ करना, ये उस कुदरत के शुक्राने के तौर पर है जो अल्लाह ने आपको अता किया। लिहाजा दुश्मन से इंतकाम लेने की बजाय उसको जो है वो अफ़ करना चाहिए। जी अच्छा, हमें वक्फे पर जाना है, गुफ्तगू यहीं से मुत्तसिल करेंगे, आप इसे इंशाल्लाह वापस जी। ब्रेक पर जाने से पहले ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अक्स दिल गुंबद खजरा का बना रखा है, अक्स दिल गुंबद खजरा का बना रखा है, वार दूं जान मैं तौहा की हसीं आँखों पर, वार दूं जान मैं तौहा की हसीं आँखों पर, दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है, दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है, बस यूं सी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक, एक मुहम्मद के सिवा दुनिया।
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ज़हीर अब्बास साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया, जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात इन्होंने पढ़ी। और अब आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुभानी साहब से मैंने सवाल किया था कि ये तारीख इंसानी का नादिर वाक़िया है, तो आपने कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कॉल भी पेश किया कि जब तुम्हें दुश्मन पर कुदरत हासिल हो उसका मफहूम है तो उस कुदरत का शुक्राना उसे मुआफ़ करके अदा करो। अच्छा आगे साहब, मेरा जो सवाल है कि माफ़ी की भी कई जहतें हैं किसमें हैं, एक एक शख्स का दूसरे शख्स को मुसलमान मुआफ़ करना, मुसलमान का मुसलमान को मुआफ़ करना, एक एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह को मुआफ़ करना, एक एक कौम का दूसरी कौम को मुआफ़ करना, तो यहाँ पर हमें माफ़ी की हर किस्म नज़र आ रही है कि वो एक ग्रोह जो इंडिविजुअली भी अहले बैत को, साहब इकराम को, ख़ुद ख़त्मी मरतबत को ईज़ाएँ पहुँचाई लोगों ने, और पूरे ग्रोह ने, कबीला कुरैश ने भी पहुँचाई, तो यहाँ इनफरादी भी आज़ादी दे दी, मुआफ़ कर दिया, और इज्तमाही तौर पर भी। आप जी हाँ, इसमें अलबत्ता 9 अफराद ऐसे थे कि जिनके बारे में पाक पैगंबर ने फरमाया कि ये जो हैं वो इनका खून, वो अगर सर मेरे पास सवाल है अगले वक्फे के बाद, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी आप इस इज्तमाही माफ़ी का हमें। ये तो इज्तमाही माफ़ी तो इस तरह है कि जब पाक पैगंबर ने खुतबा दिया तो खुतबे के बाद अब कुरैश बहुत परेशान थे काफ़ी, क्योंकि पाक पैगंबर को और लश्कर इस्लाम को गलबा हो चुका है, तो आप पता नहीं ये क्या सलूक करने वाले हैं। लिहाजा ख़ुद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब के दौरान पूछा कि अब आप तुम लोग क्या कहते हो, क्या समझते हो कि मैं क्या तुम्हारे साथ सलूक करने वाला हूँ। तो उन्होंने सबका उसको तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए और आपके सबका खुल्क हसना को मद्देनज़र रखते हुए कुरैश ने कहा कि आप नहायत करीम भाई हैं हमारे और करीम भाई के साहिबजादे हैं, लिहाजा हम आपसे नेक सलूक की तवक्को रखते हैं। वाँ वाँ। बाकी ये है कि ताकत आपके हाथ में है, जैसे आप फैसला करें। सुभान अल्लाह। लेकिन एक्सपेक्टेड था उनके लिए कि कैसा था, करीम घराना है जी, और रसूल पाक की ज़ात ऐसी। उन्होंने फरमाया, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों से वही जुमला कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। वाह वाह, वक्फे पे हमें जाने, वक्फे पर जाना है। और यहाँ रसूलुल्लाह ने ये भी ख्याल रखा कि भाई का लफ्ज है, कि भाइयों को यानी ये दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ब्रेक के बजाने पड़ रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप हमारा किचन सेगमेंट देख रहे थे, अब हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी हमारे साथ मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं और मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुभानी, दोनों उलमाए किराम मारिफ दीनी को गहराई से समझते हैं और बहुत ही नफीस अंदाज में बयान करते हैं। मौलाना मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, कल करीम अहल बैत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क्या खूबसूरत जिक्र किया, फतह मक्का जो हमारा मौजू है उसका कुछ पंस बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, सदकल्लाहु मौलाना लज़ीम। बहुत शुक्रिया किबला प्रोफेसर अज़हर अली आबदी साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने एक बार फिर इस प्रोग्राम में फतह मक्का के हवाले से कुछ अर्ज़ करने के लिए मौका इनायत फरमाया। ये फ़तेह मक्का को समझने के लिए हमें उसके असबाब की तरफ जाना ज़रूरी होता है कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर कुफारे मक्का ने मजालिम की याद कर दी जी और मुसलमान इंतहाई खस्ता हाली में थे, तो रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम हिजरत फरमा के मदीने तैयबा में गए। वहाँ मदीने तैयबा में 6 हिजरी में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा
जिसमें रहमत कौनैन अपने ग़ुलामों के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और हुज़ूर रहमत कौनैन के कुछ सियाबा सर मुंडा रहे हैं, कुछ हलक करवा रहे हैं, कुछ कसर करवा रहे हैं। रहमत कौनैन ने अपने ग़ुलामों से इस बात का ज़िक्र फरमाया तो हुज़ूर के ग़ुलामों ने इस बात पे ख़ुशी का इज़हार किया। रहमत कौनैन तशरीफ़ ले गए जब मक्कतुल मुकर्रमा में, तो वहाँ हालत कुछ और थी। हुज़ूर रहमत कौनैन को काबा शरीफ में दाखिल नहीं, मक्का शरीफ में दाखिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने रुकावट आगे से डाल दी। तो फिर इस बात पे, जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है, मुआहदा हुआ कि इस साल मुसलमान वापस लौटेंगे और अगले साल ये आएंगे तो ये उमरा कर सकेंगे और ये हथियार साथ नहीं लाएंगे। जो बंदा मक्का से मदीना चला जाए उसे वापस लाना होगा और जो मदीना से मक्का चला जाए वो वापस नहीं होगा। ये सुलह हुदैबिया की बज़ाहिर बड़ी कमज़ोर शरायत थी, कमज़ोर, लेकिन असल में ये बहुत मजबूत थी। और बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया, उस वक्त मुसलमानों की कसरत थी, लेकिन हुज़ूर रहमत कौनैन की जो निगाह मुबारक देखती है वो कायनात नहीं देख सकती। बहुत अहम। तो अब सूरत हाल ये हुआ कि कुछ लोग हुज़ूर रहमत कौनैन के हलीफ हो गए और कुछ कुरैश के हलीफ हो गए। फिर इस सूरत हाल में बज़ाहिर लोग परेशान थे कि ये 10 साल का मुआहदा था। अब इस मुआहदे में कैफियत ये हुई कि कुछ अरसा गुजरा तो कुछ अरसे के बाद जो हुज़ूर के हलीफ कबीला बनू खुज़ा थे, कुरैश के हलीफ कबीला बनू बकर ने उसमें उनमें से एक फ़र्द को कत्ल कर दिया। तो उससे इधर ये पोजीशन थी, इधर कत्ल कर दिया। हालांकि उस वक्त ये सोर्सेस तो नहीं थे कि मक्का शरीफ से मदीना कोई जाता तो जल्दी जल्दी बताता, लेकिन हुज़ूर नबी पाक अलैह सलातो व सलाम ने अपने काशाने मुबारक में, इसको समूदी ने ज़िक्र किया, शेख मौक़िक मुहद्दिस देहलवी ने, तमाम तारीखों ने ज़िक्र किया, इधर ये वाक़िया पेश आया और उधर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना तय्यबा में रात में अपने काशाने मुबारक में इसकी खबर दे दी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस बात की इत्तला दे दी। तो हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 दिन के बाद ये खबर पहुंची तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी से मशवरा किया। वजह यह थी कि हुज़ूर ये चाहते थे कि मक्का वालों को खबर ना हो और रहमत कौनैन तशरीफ ले जाए। अब वो वजह यह थी कि अब इसके जो समारात आएंगे वो जो जिक्र आगे चल के उसमें ये बात की पता चलेगी कि हुज़ूर रहमत कौनैन जैसा बंदा, इतनी शिद्दत हुज़ूर की तबीयत में आ गई कि मक्का वालों को खबर भी ना लगे आखिर वो मजालिम कैसे होंगे, बेशक मजालिम की कैसी। तो फिर हुज़ूर रहमत कौनैन अपने तशरीफ़ ले गए बगैर किसी के इतला दिए। कैसे हुआ कि, या मुख्तसर में करूँ कि खबर न मिले, एक शख्स ने आखिर एक औरत के जरिए खबर पहुंचा दी मक्का वालों को, मक्का वालों के हुजूर का लश्कर, तो हुजूर का लश्कर आ रहा है। इधर उसने किसी को खबर तो नहीं दी, जिस तरह हुजूर ने पहले ये बता दिया था कि मक्का में ऐसा हो गया है, यहाँ भी ऐसे हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खबर दे दी और रहमत कौनैन ने उस ख़त को लेने के लिए किसी को भेजा, लेकिन वो इंतखाब अजब था। वो उसी को भेजा कि जिसके घर से इब्तदाए तबलीग हुई थी, वो जनाब अबू तालिब के शहजादे को इंतखाब फरमाया। अजीब बात थी कि ये एक अजीब बात है, हमारी सोचने के काबिल फिक्र बात है कि आप देखें इब्तदा इस्लाम की हो रही है तो उस घर से हो रही है, बेशक बेशक 9 साल की उम्र में खड़े हो रहे हैं तो वही खड़े हो रहे हैं और वही किसी आम मामले के लिए सूरह बरात के लिए भेजते हैं तो हुज़ूर उन्हीं को भेजते हैं और यहाँ खत जहाँ भी राजदारी के वाकयात हैं वो मौलाए कायनात, वो मौलाए कायनात को अल्लाह के, बेशक बेशक। ये डॉक्टर साहब मेरा सवाल तो
फतेह मक्का के वाले से, लेकिन एक बात जो मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब ने कर दी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हिजरत की शब भी मौला अली को आपने लिटाया और मौला अली ने कहा कि ऐसी सुकून की नींद मुझे सारी ज़िंदगी नहीं आई, क्योंकि रसूल पाक की बात पर यकीन था कि अमानतें लौटा के हमें अब तुम आकर मिलोगे तो बस बात हो गई कि कुछ हो ही नहीं सकता। जब रसूल अल्लाह ने कह दिया कि मिलोगे तो अब कोई गज़ल नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर भी जो मौलाना मिसबाहुल हसन गिलानी साहब ने वाकया बयान किया कि सब ने कहा कि अब इस खातून के पास कोई ख़त नहीं, यानी वो जो एक जासूसी का ख़त भेजा गया था मक्का में जी जी। लेकिन मौलाए कायनात ने कहा नहीं, रसूल अल्लाह ने कह दिया है कि ख़त है तो फिर है, और अब ये इनकार कर रही है तो फिर गर्दन उड़ जाएगी, तो वो ख़त फिर बरामद हो गया। तो ये इसी वाक़े की कंटिन्यूशन में ये भी बता दीजिएगा। और दूसरा वही कि अब लश्कर जा रहा है और ये लश्कर पूरी तैयारी के साथ जा रहा है और एक पूरे अज़्म के साथ जा रहा है कि अब मक्का में दाखिल होना है और फतह मक्का हासिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अब्दी साहब आपका, आपका भी बहुत। आपने एक इंतहाई अहम मौजू जो तारीख इस्लाम से रिलेटेड है फतह मक्का के हवाले से सच टीवी के नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये वाक़यात है ना कि हमें अपना पस मंज़र मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि हम किस अजीम वरसे के मालिक हैं। और माह रमज़ान, इस माह मुबारक की ये खसूसियत है, इसमें चंद इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं। एक बदर का वाक़या, जंग बदर का, वो भी इसी महीने में है, और इसी तरह वफ़ात हज़रत खदीजा और शहादत हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और फिर ये फ़तह मक्का। देखिए वफ़ात हज़रत फातिमा बिनते असद पर हमने प्रोग्राम किया, वो भी एक वो भी इसी में जी, वो भी इसी में। दरअसल जैसे कानून है इस कायनात का, हर शय के तीन मराहिल होते हैं, एक इब्तिदा, एक दरमियान वसत और एक इंतहा जो है। इसी तरह हर तहरीक, हर नहजत, हर तहरीक, उसके भी ये जो हैं वो स्टेजेस हैं। ये लिहाजा तारीख़ इस्लाम का के जो हैं ये तीन अदवार हैं, एक इब्तदाई दौर है और एक वसत का है, और ये जो दौर है फतह मक्का का, ये पीक का दौर है ये तारीख़ इस्लाम और इस्लामी तहरीक और इस्लामी दावत का। देखिए आगाज़ में, आगाज़ जब हुआ इस तहरीक का तो सिर्फ दो शख्सियात थी, एक हज़रत अली इब्न अबी तालिब और एक हज़रत खदीजा, सिर्फ दो यानी जिन्होंने पाक पैगंबर की दावत को जो है वो कबूल किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती गई। और फिर सुलह उदैबिया में, जैसे मौलाना साहब ने क़िबला ने ज़िक्र किया, तो तारीख मौरखीन बताते हैं कि तकरीबन 1400 मुसलमान आपके हमराह थे, 1400। ठीक है, और फिर हमें ब्रेक पे जाना है, हमारा पहला हिस्सा है अभी प्रोग्राम में, इंशाल्लाह बहुत वक्त है और खूब हम फतेह मक्का के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीया नात पेश करें। दिलों के साथ जबीने जो खम नहीं करते, दिलों के साथ जबीने जो खम नहीं करते, वो पासे मिद से मैं
जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़हीर अब्बास साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया था, जज़ाकअल्लाह जी। फतह मक्का के हवाले से गुफ्तगू मौलाना सैयद मिसबाह उल हसन गिलानी साहब के ब्लॉग और मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब। डॉक्टर साहब, फतेह मक्का की हम बात करें कि इसके बहुत बहुत पहलू हैं और ये जो वाक़या है ये बहुत से रमूज और बहुत से सबक अपने अंदर लिए हुए। आप फरमा रहे थे कि एक बहुत बड़ा लश्कर इस्लाम का मक्का फतह करने जा रहा है, तो उसकी तैयारियां और वो जो पस मंज़र था कुछ बताया मौलाना मिसबाह हसन साहब ने और कुछ आप बता रहे हैं। ये पहली दफ़ा इतने कसीर तादाद में लश्कर इस्लाम को जमा किया गया, आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये जमा हुआ है, ये लश्कर 10,000 की तादाद में। जी जी। तो फिर ये है कि हुजूर सल्लम के मद्देनज़र ये भी था कि इस लश्कर की तैयारी की खबर जो है वो उन तक ना हो जाए, जैसा कि क़िबला साहब ने भी इशारा फरमाया, और इसके लिए कई इकदामात भी किए आपने कि उनको ख़बर ना हो जाए। जी जी। और वो ख़बर ना होने की एक मसलहत थी, वो एक तो ये मसलहत थी कि हिकमत ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खूनरीजी हो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि फतह मक्का हो जाए, खूनरीजी ना हो, हत्तल इम्कान जो है ना हो। तो लिहाजा आप चाहते थे कि इत्तला दिए बग़ैर उन पर वो लश्कर मुसल्लत हो जाए और वो अपना दिफा ना कर सकें, वो लिहाजा उसके लिए कई इकदामात किए आपने। एक ये था कि जो है वो जो मक्का से मदीने की मदीने से मक्का की तरफ जितने रास्ते थे सब जो है वो चेक पोस्ट जिसको कहते हैं ब्लॉक किए या उनकी निगरानी की, निगरानी जो है वो की। और दूसरा आपने ये किया कि एक लश्कर को ना मुख्तसर से लश्कर को एक मकाम की तरफ भिजवाया के जाए ताकि लोगों को ये सब ध्यान उधर हो जाए, ताकि रुख उस तरफ है। और इसके साथ साथ आपने दुआ भी की अल्लाह ताला की बारगाह में कि खुदाया कुरैश को इसकी खबर ना हो जाए, उनके कानों पर और उनके आँखों पे पर्दे पड़ जाएं जब तक ये लश्कर वहाँ ना पहुँचे। इससे हमें ये भी मिलता है कि हिकमत अमली भी होनी चाहिए, इकदाम भी होना चाहिए, ये भी दुआ भी और दवा भी जिसको हम कहते हैं, यानी दोनों ज़रूरी है, सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, साथ अमल भी हो। अमल के बगैर दुआ ऐसी है जैसे कमान के बगैर तीर। हाँ, और हुआ इसी तरह बिल्कुल, उन्हें खबर नहीं थी यानी, और ये लश्कर पूरा जो है तैयारी के साथ 10 रमज़ान मुबारक को चल पड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में, और सफ़र तय करते करते मक्का के करीब एक मुर्र जहरान और इस्लाम की एक वादी थी, वहाँ पर जो है वो इस लश्कर ने पड़ाव डाला। और आपने हुक्म दिया, ये भी एक बड़ी हिकमत जो है वो उसमें आपने हुक्म दिया कि जितने हैं सब जो हैं ये फैल जाएं इस मैदान में, मुंतशिर हो जाएं, और हर एक जो है ये आग रोशन करें, आग जलाए, बड़ा एरिया कवर हो गया। आप देखें इतना बड़ा एरिया, एक बड़ा वसी मैदान, और हर एक जो है वो आग जलाए बैठा है, तो अब जो भी देखेगा जाहिर सी बात है वहशत जो है वो तारी होगी। लिहाजा उधर जो है वो ख़बर हुई मक्का में अबू सुफियान और इन लोगों को किसी तरीके से कि जो है वो लश्कर जो है वो यह मकाम पे है, तो लिहाजा वो अपने साथियों समेत वहाँ से जो है वो उस लश्कर की तरफ अब मैं क्या कहूँ कि आए कहूँ या आया कहूँ इस वास्ते के इस्लाम से पहले है वो, तो लिहाजा वो आए वो लोग लश्कर के पास, और जब देखा इस कैफियत को कि आग लगी हुई और इतनी कसीर तादाद में मुसलमानों की तादाद को, उन पर जो वहशत जो है उतारी हो गई। अच्छा, अब जो हजूर के चचा हजरत अब्बास साथ थे वो भी साथ अबू सुफियान के, जो वहाँ मकालमे हुए आपस में, और फिर रात को गोया कैद कर लिया गया उन्हें, और फिर सुबह रसूलुल्लाह को पेश किया गया, वो मकालमे और वो सुबह का हाल अगर आप इजाज़त दें तो मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब से सुनते हैं कि वो हमें बता दें बहुत मुख्तसरन, और फिर जब उसके बाद फिर हम जब मक्का में लश्कर दाखिल हुआ उसकी बात करेंगे। क़िबला अब्दी साहब, जिस तरह तवारीख ने ज़िक्र किया, बल्कि इनमें इबन असीर का एक बड़ा नाम है तारीख में। जी जी। और तारीख इबन असीर बहुत बड़ी तारीख। इसी तरह हज़रत शेख मौक़िक़ मुद्दसे देहलवी अलैह रहमा का एक बड़ा नाम है, और उन्होंने इसको ज़िक्र किया कि जब इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान
उधर मुर्रदारान के मकाम पर आए तो वहाँ उनकी हज़रत अब्बास से दोस्ती थी, तो हज़रत अब्बास उनको हुज़ूर की सवारी पे लेके आए। जब एक जगह से गुजरे तो हुज़ूर की सवारी को देख के लोग रुक गए, दूसरी जगह से गुजरे लेकिन आगे बढ़े तो जब हज़रत उम्र फ़ारूक की निगाह पड़ी तो फ़ारूक आज़म उन्होंने पहचान ली, उन्होंने कहा ये तो अबू सुफियान है। लेकिन हज़रत अब्बास ने फौरन कहा कि मैंने इसको पनाह दे दी। जब उन्होंने पनाह दे दी तो अब वो हुजूर की खिदमत में उनको लेके गए, वहाँ जो सारी बात हुई तो हुजूर नबी पाक ने उनको फरमाया कि हज़रत अब्बास को रात को इनको मोहलत दें, सुबह इनको मेरी खिदमत में लेके आना। जब सुबह लाया गया तो यहाँ तारीख में बड़ा कुछ जिक्र है, उन्होंने उस वक्त फिर हुज़ूर रहमत कौनैन से कुछ बातचीत जो हुई जिसको तफसील से कुतुब में जिक्र किया गया है। लेकिन अभी फिर नबी पाक ने जब मदीना तय्यबा की तरफ मक्का शरीफ की तरफ रवाना होने लगे तो फिर तीसरी मर्तबा अब ये हुज़ूर की जो निगाह बातिन है जी जी वो ये हुज़ूर का ही कमाल है। सरकार ने फरमाया इनको उस मकाम पे छोड़ो, एक मकाम पे खड़ा कर दो पहाड़ी पे। तो जब वहाँ गए तो वहाँ से एक काफिला गुजरा, ये किसका काफिला है, कहा ये इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे काफिले के बारे में फिर अबू सुफियान ने कहा ये इस्लाम लाने से पहले की बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे काफिले के बारे में जब पूछा तो हजरत अब्बास ने कहा कि ये रसूलुल्लाह का काफिला है। वाह वाह। उस वक्त जो उनके जुमले थे जिसको इब्ने असीर ने नकल किया है, ने कहा अब तो तेरे भतीजे की हुकूमत बड़ी हो गई। तो उस वक्त फिर हजरत अब्बास ने उनको डांटा, उन्होंने कहा कि तुझे अभी तक समझ नहीं आई ये बादशाहत नहीं, ये अल्लाह के रसूल है। ये अल्लाह के रसूल है उस वक्त भी। तो फिर उस वक्त उन्होंने हज़रत अब्बास ने जो इब्ने असीर ने ज़िक्र किया कि हज़रत अब्बास ने कहा कि तुझे अभी वक्त नहीं आया, मुझे पता है कि उमर की तलवार क्या करती है, कलमा पढ़ लो। उस वक्त फिर उन्होंने वो कलमा पढ़ लिया तो नबी रहमत सैयद कौनैन का वो काफिला जब मदीना। इस पे मुहद्दिसीन ने हज़रत शेख मौक़िक़ ने जो बात की है मैं आपकी वसात से अर्ज़ करूँगा कि सामईन को चाहिए कि वो आज की ये जो जुल्म ज़दा किताबें हैं और तारीफ़ ज़दा किताबों के बजाय अगर अपने बुज़ुर्गों की कुतुब को देखें, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि जो बड़ी पुरानी किताबें हैं मनाबे हैं उनको देखें तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। इस तरह मौके की मदारिजुन्नबुव्वा जी बहुत बहुत मारूफ किताब है, देखना चाहिए जी। तो क्या खूबसूरत गुफ्तगु है और तारीख बयान हो रही है और इस्लाम की तारीख और फातिहाना तारीख, लेकिन वो फातिहाना तारीख जो लॉजिक के साथ है, रहम के साथ है, बख्शिश के साथ है और मुआफ़ी के साथ है और रिसालत और नबूवत के साथ है। जी चाह रहे कि एक नात अगर हम बिल्कुल हमारे पास वक्त है, ज़हीर अब्बास साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह फिर क्या सुल्तान वगैरह।
बनना है मुझे खाक रहे शहर मदीना बनकर नहीं रहना मुझे मेहमान वगैरह बनकर नहीं रहना मुझे मेहमान वगैरह रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान फतेह मक्का के वाकयात पर गुफ्तगू हो रही है और अभी मौलाना सैयद मिसबाह उल हसन गिलानी साहब ने बड़ा बजा फरमाया कि हमें जो बुनियादी मनाबे हैं तारीख के वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तारीख जो है ये कौम का हाफजा होती है और अगर एक इंसान का हाफजा ख़त्म हो जाए डायमेंशिया हो जाए तो उस इंसान की क्या हालत होती है। जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं जो कौमें अपने अहम वाकयात का तारीखी पस मंज़र जहन में नहीं रखती वो कौम फिर बतौर कौम सोचना भूल जाती है हुजूम तो, रह जाते जी हुजूम बहुत सही आपने फरमाया। तो हमने डॉक्टर साहब मौजू भी ये इसीलिए रखा। अब जब रात को जो वाकयात हुए और दिन को और जो हैबत सरदारान मक्का पर और सबसे बड़े सरदार पर मक्का के बैठ गई और अब जब रसूल अल्लाह जाते हैं तो फिर हिकमत अमली के जो हमने तारीख में पढ़ा कि लश्कर को तकसीम कर देते हैं और चार तरफ से कम अज़ कम लश्कर दाखिल होते हैं। अब हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन अभी इस पहलू पर कि जब लश्कर दाखिल होता है तो बहुत ख्याल रखता है कि खूनरेजी ना हो कोई झड़प ना हो। एक आध झड़प हुई वो भी जो थे कुरैश मक्का वो जब सामने आ गए तो बड़ी मामूली सी एक झड़प हुई लेकिन बग़ैर किसी तशद्दुद के ये लश्कर मक्का में दाखिल हो जाता है जहाँ से ये निकाले गए थे अब वहाँ मौजूद हैं। फरमाइए जी हाँ इसके लिए हिकमत अमली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनाई कि लश्कर को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया आपने और हर हिस्से का एक अलग अलग जो है अलग अलग जर्नेल मुकर्रर किया ताकि वो एक तरफ से दाखिल ना हों शहर में चारों तरफ से दाखिल हों और इससे पहले अबू सुफियान जो रात में जब लश्कर इस्लाम की उसके आज़मत और उसको देख के तो वो अंदर से वो टूट गया था वो शिकस्त खुर्दा हो गया था। इस पहलू इससे जो है वो एक फ़ायदा उठाना चाहा सरकार रिसालत ने कि इसी अबू सुफियान के ज़रिए से ऐलान कराया जाए मक्का में ताकि वो जो है वो कुरैश मक्का और मक्का के जो लोग हैं वो शिकस्त खुर्दा हो जाए अंदर से वो टूट जाए। मकसद बुनियादी वही कि खूनरेजी ना मकसद ये था कि खूनरेजी क्योंकि मक्का शहर है हराम। लिहाजा अबू सुफियान ने जाकर ऐलान किया कि मक्का वालों एक बहुत बड़ा लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हुए हैं और तुम में उसका मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं है लिहाजा जो मेरे घर में दाखिल हो उसे अमन होगी और जो खाने काबा के अंदर हो वो अमन में रहेगा और जो अपने घर के अंदर बैठ जाए दरवाज़ा बंद करके उस वो अमन में रहेगा। ये सुनकर जो है वो मक्का वाले बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए और शिकस्त खुर्दा हो गए अंदर से। जंग में नफसियाती मसाइल को जो है बहुत अहमियत हासिल है लिहाजा जब ये हिकमत अमली आपने अपनाई और के लश्कर जो है इस तरीके से दाखिल हो चार जर्नेलों की सरबराही में और साथ हिदायत की कि सिवाय उन 9-10 अफराद के और किसी को जो है वो कुछ नहीं कहना मगर ये कि अगर कोई सामने आए तो उसका मुकाबला करना है तो मुकाबले में तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। एक मुख्तसर सी जमात थी चंद लोगों की उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन उनके जब चंद लोग मारे गए तो वो पीछे हट गए सब जो है वो बिखर गए वो लोग। लिहाजा लश्कर इस्लाम जो है पूरे फातिहाने अंदाज में लेकिन दाखिल होने का अंदाज देखिए साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में अलम था अब वो अलम लेके जो है वो नारा लगा रहे हैं कि अल-यौम यौमुल मलहमा और कुरैश वालों आज जो है वो तुमसे इंतकाम का दिन है आज जंग का दिन है
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला के साथ ये नारा लगा रहे हैं, तो आपने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सलाम को बुलाया और जाकर का फरमाया कि जाकर साथ से अलम लो और नारा ये लगाओ, स्लोगन ये लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा। आहा, ए मक्का वालों, आज जंग इंतकाम का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। सुभान, आज मरहमा मेहरबानी का दिन है, रहमत का दिन है। लिहाजा इस तरीके से जो है वो लश्कर मक्का में जो है वो दाखिल हुआ, और मक्का में दाखिल होने के बाद फिर जो आप तारीख ने जैसे बयान किया है कि आपने जो कुछ जो अमल था आपका वो जो है वो मुख्तलिफ वो था। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और अभी हमारे पास चंद ही मिनट हैं, 2-3 मिनट, और हमें फिर इफ्तार के लिए जाना है। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, ये जो फ़तह मक्का अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है, आम माफ़ी और उसके कुछ पहलू हम बाद में बयान करेंगे, फ़तह मक्का इस्लाम की एक फैसला कुन फतह है, लेकिन इसमें जो हमें सबक मिलते हैं कि फैसला कुन फतह ऐसे ही नहीं मिलती जब तक कि उसकी तैयारी ना की जाए, हिकमत अमली वज़ा ना की जाए, और उस हिकमत अमली को एग्जीक्यूट यानी उसको अदा उस तरीके से ना किया जाए। फरमाइए जी अब्दी साहब, ये अहम बात है, और किसी भी फतह के हासिल करने के लिए हिकमत अमली, और फिर हिकमत अमली के लिए जब तक आपके पास कोई राहबर नहीं है। जी, राहबर और ताकत, ताकत नहीं, और ताकत से बढ़ के राहबर जो है वो राहबर होगा तो आपको वो ताकत देगा बेशक। फिर उसके साथ आज ये जिक्र किया कि हजरत ने जिस तरह जिक्र किया, इन चीज़ों के साथ साथ फिर यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत मोहब्बत फातह है। ये जो आपने खूबसूरत सिफात बयान की, इसके साथ ही हम वक्फे पर जाते हैं। वक्फे के बाद फिर लश्कर का जो किरदार था और जो वहाँ कंडक्ट था और रसूलल्लाह का कंडक्ट, वो फिर बयान बिल्कुल इन डिटेल उस पर भी बात होगी। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर और उसके मज़ाफात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद, और हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी माशाल्लाह, हमारा जो अभी हमने प्रोग्राम किया, जो सेशन किए इफ्तार के बाद, और वो आपने जैसे आप कहती हैं बहुत खुशगुन और खुशगवार। जी जी, उससे पहले हमने जब प्रोग्राम करते हैं और अभी इफ्तार नहीं होती तो हम क्या मानवी एक सुरूर होता है उस वक्त सब में, और इस वक्त जब हम आते हैं बाद में तो मानवी कैफ भी होता है और अल्लाह ताला की नेमतों से भी हम मुस्तफीद हो रहे होते हैं। और वही जो मारूफ हदीस है कि मोमिन को दो खुशियाँ, एक इफ्तार के वक्त और एक अल्लाह से मुलाकात के। तो गुफ्तगू हमारी जारी है फतह मक्का। फतह मक्का में जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब, आपसे शुरू करते हैं कि फतह मक्का जब होती है और वो हसीन मनाजिर हम देखते हैं, वो तो आप बयान कर चुके कि उस वक्त कहा गया कि आज मगफरत का दिन है, और कुछ मनाजिर हैं उसमें जो तारीख ने रकम किए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इन प्रोग्राम्स में कि तारीख में हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें तो तारीख में जहन में आती हैं हमारे, लेकिन कुछ मनाजिर हैं जो मंजर बन के नक्श हो जाते हैं। तो आगा साहब, जैसे रसूल अल्लाह का आगे खड़े होना, हज़रत अली का पीछे नमाज पढ़ना, हज़रत खदीजा का और हज़रत अब्बास का वो वाकया बयान करना, ये मंजर सब्त हो गया है तारीख में। फतेह मक्का भी कुछ मंजर है, उनमें मुझे एक मंजर याद आ रहा है, आप उसकी कीजिएगा कि बिलाल को हुजूर कहते हैं कि काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो, और उस अजान की जो कैफियत बयान की है कि शजर व हजर और मक्का की वैली और पहाड़ और लोग और दरख्त और हर में काबा झूम झूम के वो अजान सुन रहे थे, वो ज़रा वाकया बयान किया। जी हाँ, फतेह मक्का के जो मनाजिर हैं उनमें से
एक तो ये है, पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपने तवाफ़ किया काबा का, सब ये, ये भी एक मुसलमान भी हमरा थे। अब वो क्या मंजर होगा उस वक्त, क्या आप तवाफ़ कर रहे थे और मुसलमान भी आपके हमरा थे, और उसके बाद हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की कब्रों की ज़ियारत की। हाँ हाँ हाँ, क्या मंजर होगा। ये जो है जिनके जिनकी वफात को आमुल हुज़्न करार दिया था, मोहसिन इस्लाम में, हज़रत खदीजा इस्लाम, एक मोहसिन इस्लाम और एक मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये है कि आपका अमल ये बताता है कि मुसलमानों को किसी वक्त भी इन दो शख्सियात को भूलना नहीं चाहिए और इनका एहतराम और तकरीम जो है वो ज़रूरी है। वो बेशक, वो तो कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह किसी चीज़ को देखकर खामोश भी हो जाएं तो वो सुन्नत है। बेशक, हज़रत खदीजा, हज़रत अबू तालिब अलैहिम अस्सलाम, इनकी इनके इंतकाल पर आपने पूरा एक साल सोग मनाया, आमुल हुज़्न तो खुद मनाया, जे जे जे। खुद नाम भी रखा आमुल हुज़्न और गम का साल, और क्या क्या मंजर आपने याद कराया फतेह मक्का का। अच्छा, उसके बाद एक अहम जो वो मंजर है वो क़िबला आबदी साहब, वो बुतों बुत शिकनी बुतों को तोड़ने, वो मैंने मौलाना मिसबाहुल हसन गिलानी के लिए रखा था कि वो बयान कर दें, आप ये हज़रत बिलाल वाला क़िबला साहब जो है वो बयान करें। जी, जी, जी। और जहाँ तक हज़रत बिलाल की अजान का ताल्लुक है तो अब वो खाने काबा के जहाँ से मुसलमानों को जो है वो नहायत ज़ुल्म व सितम के साथ निकाला, खुद हज़रत बिलाल को क्या क्या अज़ियतें नहीं दी गई, इन्होंने मुसीबतें झेली और जो है वो अब वो वक्त आया कि अल्लाह ने वाकियन यानी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, क्या बात है, तो क्या अजीम नुसरत और क्या फतह है वो, और शायद गुलाम बिलाल हबशी बिलाल काला, लेकिन क्या मंजिल है, खुद हुजूर अजान नहीं देते, बिलाल से फरमाते हैं, बिलाल से किसे अजान दिलवाते हैं ये। वाह वाह, तो जब हजरत बिलाल ने अजान दी और मक्का में तौहीद का वो नारा, तौहीद की वो सदा जब गूंज उठी और रिसालत माब की रिसालत की गवाही की सदा जब गूंज उठी, हाँ, तो उस वक्त जो कुफार थे उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी, लेकिन जो सही अहले इस्लाम थे, हाँ, वो तो नहायत जो है वो महजूज़ हुए होंगे और उनके जज्बाती ईमानी में यकीनन जो है वो ताजगी आई होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, एक वाक्या तो मैंने सवाल किया था, एक वाक्या ख़ुद डॉक्टर साजिद अली सुबहानी ने बयान किया कि जब रसूल गए होंगे कब्राए मुबारक हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा, क्योंकि हिजरत करते वक्त भी उन्हें याद कर रहे थे, बल्कि हिजरत का बुनियादी सबब भी यही कहते हैं कि ये दोनों शख्सियाँ रुखसत हुई तो अब मक्का के वो हालात नहीं रहे। क्या खूबसूरत याद दिलाया, अल्लाह ताला जज़ा दे जनाबी डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब को। और फिर हज़रत बिलाल वाली अजान मैंने इनके सवाल में रखी थी, और वो जो एक हसीन मंज़र के बुत, जिन बुतों की वजह से इस इस्लामी जमात को निकाला गया था, अब उन बुत किस तरह औंधे मुँह गिर रहे हैं और वो कौन गिरा रहा है, वो मंज़र आप भी बयान कीजिएगा, उसकी कंटिन्यूशन में डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह दीजिएगा। जी जी, क़िबला आबदी साहब, वो ये फतह मक्का का एक मंज़र सारा ऐसा है कि ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ एक बात मैं अपने सामईन की खिदमत में आपकी विसातत से अर्ज़ करूँ कि हमें कम अज़ कम पूरी किताब को देख के डरना नहीं चाहिए। हम वो देखते हैं किताब को देख के डर जाते हैं कि पता नहीं इतनी बड़ी, उसमें अबवाब की तकसीम बंदी है, कम अज़ कम मदारिज नबुव्वा से ही उस फतह मक्का के बाब को उम्मत मुस्लिमा को तफसील से ज़रूर, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस शख्सियत जी, और कामिल इब्ने असीर में भी ज़्यादा से ज़्यादा फतह मक्का के कुछ 10 सफ़ात होंगे, इतना ज़्यादा नहीं है, उम्मत को ये पढ़ना चाहिए। उम्मत को मालूम हो, हम ये भी एक हिस्सा है, इतना हम तफसील से बयान तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसका एक एक जो गोशा है उसको हम जिक्र करते हैं। तो नबी रहमत सैयद कौनैन ने तवाफ़ किया और हुजूर का तवाफ़ अपने गुलामों के अमरा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ते हुए क्या अंदाज़ होगा। वाँ वाँ। और जब हुजूर तवाफ़ कर रहे हो और फिर काबा में हो,
और उस महबूब का तवाफ के जिसे अल्लाह खुद फरमाए फ़ाइन्ना कबिया योनना, वाह महबूब आप हमारी निगाहों के सामने हैं। अब उस हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब काबा में दाखिल हुए तो रहमत कौनैन ने देखा उस काबे में 360 बुत थे। हुज़ूर रहमत कौनैन के दस्ते मुबारक में एक असा है। अब वो कमाल उस असे को भी क्या उन्होंने बात याद जो जिक्र छेड़ा वो कमाल का जिक्र छेड़ा, यहाँ किस को बंदा जिक्र करे किस को छोड़े कि हुज़ूर के दस्ते मुबारक में असा आया और हुज़ूर के दस्ते मुबारक में जो चीज़ आ जाए वो कितनी कमाल की होती है। तो ये तो वो हस्तियाँ थी जो दस्ते मुबारक में नहीं जनाब अबू तालिब के तो सीने पे हुज़ूर खेलते रहे। हाय हाय अल्लाह अकबर। हाय हाय हुज़ूर रहमत कौनैन सैयद कौनैन ने अब बुतों को मारा नहीं। हुज़ूर रहमत कौनैन ने सीरत निगारों ने लिखा है यूं बुतों की तरफ इशारा करते और पढ़ते कुल जाल हक को वज़ाक अल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। हुज़ूर की ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते थे, इशारा होता था बहुत ऊंधे मुंह गिर जाते थे। वाह वाह। अब 360 बुतों में से कुछ बुत बुलंदी पे थे, एक हुबल नाम या हबल नाम का एक बुत था वो काबे की छत पे था, उसे गिराने की बारी आई। तो ज़ाहरी बात है अब ये एक अनोखी सी बात है या मैं जिसकी तरफ लाना चाहता था कि हुजूर ने इशारा करके बुतों को तोड़ा है, असे से नहीं तोड़ा। जी जी जी। जब हुजूर इशारा करके तोड़ते हैं तो सवाल यह है कि वो बुत भी ऊपर है, वो बुलंदी पे है, उसे भी तो इशारा किया जाता तो वो टूट जाता। वाह वाह। यहाँ तो असे की बात है, जब जबले अबू कुबैस की बात करते हैं वहाँ तो असे की बात भी नहीं, उंगली से इशारा होता है आसमान के टुकड़े हो जाते हैं। वाह 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 वाह। उंगली से इशारा होता है सूरज पलट आता है। लेकिन अनोखी बात है यहाँ हुजूर कहते हैं ये बुत दूर है, उसको तोड़ने के लिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मौला अली को बुलाते, मौला अली को बुलाते हैं। अब ये अजीब मंजर है जो हमारे लिए काबिल गौर है, इशारा करते तो टूट जाता, आसमान से चांद टुकड़े होता है, सूरज वापस पलट आता है, लेकिन अली को बुलाने में कुछ ना कुछ तो हिकमत है। वाह 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 वाह। अली को बुलाने में कुछ ना कुछ तो हिकमत है। सुभान अल्लाह। अब वो जैसी बात है कि जिसको इमाम निसाई अलैहि रहमा ने जो सियाह सित्ता हैं जी 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 हदीस की छः सही किताबें उनके एक मुसन्निफ हजरत इमाम निसाई अलैहि रहमा ने खसाइस में जिक्र फरमाया, शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी ने इसको मदारिज नबुव्वा के अंदर जिक्र फरमाया, इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने जिक्र फरमाया और उनके वालिद ने जिक्र फरमाया, यानी सैकड़ों कुतुब से जहाँ भी ये काबे का फतह मक्का का जिक्र है उसमें ये जिक्र ज़रूर है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे अली को उठाया। अपने कंधों पे अली को उठाया। ये अजीब मंजर है, शायद ज़माने को सबक दिया जा रहा हो कि जिसे नबी कंधों पे उठाए उसे गिरा कौन सा, काबे के बुत गिराए। इसलिए आज़म चिश्ती ने कहा, मैं उसके इब्तदाई शेर पढ़ना चाहता हूँ, अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, अली। हाँ। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अली, अली। हाँ। और काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से, हाँ। हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली अली। वाह वाह। ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारे अली अली। तो हुज़ूर नबी पाक ने कंधों पे मौलाए कायनात यासूबुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अबुल हसनैन ज़ौज ज़हरा बुतूल को उठाया, हाँ। और उठा के फरमाया अली ये बुत आप गिराएं। मौलाए कायनात ने जब चढ़े हुजूर के कंधों पे उस मंजर को शायद हुजूर कितनी खुशी में है। अब ईमान वाले फतेह मक्का के मौके पे खुश ना हो तो क्यों ना हो, हुजूर उस वक्त भी खुशी मना रहे हैं। खुशी का अनोखा अंदाज है, हुजूर मौला अली से पूछते हैं अली मेरे कंधों पे चढ़ के देखते क्या हो। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। हुजूर का ये मौलाए कायनात से गुफ्तगू का मंजर अली से प्यार और मोहब्बत की एक गहरी फिक्र देता है इंसान को कि क्या मोहब्बत का अंदाज है, किस तरह हुजूर मौलाए कायनात से बोलते हैं अली मेरे कंधों पे चढ़ के क्या देखते हो, हाय हाय मेरे कंधों पे चढ़ के क्या देखते हो, क्या उस गुफ्तगू का मंजर होगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है, मीठियां बोलियां, वाह
मिठियाँ बोलियाँ वाला हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की उसकी मौला कायनात फरमाते हैं, हुजूर देखता क्या हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अर्श के पाँव को पकड़ लूँ। हाँ हाँ, वाह वाह, यानी बुलंदियों के अरूज पर है मौला। अगर बुलंदियों के अरूज पर फिर मैं ये यहाँ कल वाला जुमला अर्ज रोक के बात करूँ तो फिर ये बात काबिल समझ में आएगी। वो नबी जिसके कदम अर्श की बुलंदी से ऊपर चले जाते हैं, खुदा जाने उसके कंधों की बुलंदी कितनी होगी। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, उसके कंधों की बुलंदी कितनी होगी, फिर जो उसके कंधों पे सवार है उनकी बुलंदी, उनकी बुलंदी का क्या आलम होगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कहने पे मौलाए कायनात ने बुत गिराए। हाँ हाँ, अब बुतों को गिरा रहे हैं मौलाए कायनात, इसका मतलब है कि हुजूर नबी पाक बताना चाह रहे हैं बुतों को गिराने की बात जब भी आए अली को पुकारा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाबे डॉक्टर साहब, आप भी इस वाक्य को बयान करना चाहते थे, मैं चाह रहा था कि कुछ वाक्यात आप बयान करें और कुछ आपने क्या खूबसूरत हज़रत अबू तालिब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को याद किया और फिर बिलाल मौज़्ज़न रसूल का वाक़िया, ये तो जान है इस पूरे मौजू की। मौला अली के हवाले से जो कुछ फरमाया आप, अगर अभी अभी साहब हमें ब्रेक ही जाने पड़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जरूर करेंगे इस ब्रेक के बाद। को सजाने वाले मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, गम नहीं छोड़ दे मुझको ये जमाने वाले, मेरे सरकार सीने से लगाने वाले, मेरे सरकार सीने से लगाने वाले, सै कलम हो गया इस नाम बचाने के लिए, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते के घराने वाले, तूने पानी ना दिया उनको ऐ नहर फिरा, जिनके माँ बाप है कौसर के पिलाने वाले, जिनके माँ बाप हैं कौसर के पिलाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने। बहुत ही खूबसूरत अशार, खूबसूरत अशार, और बाद अशार का असर आदमी की रूह में उतर जाता है। बेशक ऐसे। अभी ये जो जिक्र किया करबला के वाक़े का और प्यास का और साकी कौसर के फर्जंद का कि उन पे पानी बंद रहा, और वो भी इस्लाम की तालीमात की बका के खातिर। डॉक्टर साहब, वाक़े करबला तारीख़ इंसानी का वो वाक़ा कि जिसको कभी भी इंसानियत नहीं भुला सकेगी और इस्लाम की बका की भी ज़मानत, वो यही अहम और तारीख साज वाक़ियात हैं कि जिनसे तारीख आगे बढ़ती है और फिर आने वाली नस्लों की हिदायत होती है। उसी में से एक वाक़िया जिसका हम कम कम जिक्र करते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा पहलू लिए हुए हैं अपने अंदर, वो फ़तह मक्का है। और इसीलिए सच टी वी की रिसर्च टीम ने चाहा कि फ़तह
फतेह मक्का के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाए जो आज भी हमारे लिए मिशल राह हैं। एक पहलू, कुछ पहलू तो आपने बयान किए वक्फे से कबल बुतों को गिराने वाले वाक़े की आप बात कर रहे थे, वो भी और कुछ और जो मुजमरात, कुछ और जो राज पिन्हाएं इस वाक़े में, वो भी बयान कीजिए। जी हाँ, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, वाक़े करबला का मक्का से बहुत गहरा ताल्लुक है जी। और यही वजह है कि सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने मदीना से निकल कर कुछ अरसा क़्याम के लिए मक्का का इंतखाब किया, खाने काबा का इंतखाब तकरीबन चार महीने तीन हाँ चार महीने कुछ कम उबेश जो है वो इतनी मुद्दत आपने वहाँ पर क़याम फरमाया ताकि उम्मत जो है वो मुतवज्जे हो जाए कि हुसैन इब्न अली किस मकसद के लिए और किस वजह से मदीना छोड़ा उन्होंने। तो बहुत अच्छा आपने रिलेट किया कि फतह मक्का पस मंज़र बन जाता है बाज़ औक़ात वाक़िया करबला का, या उसको देखने का एक आईना बन जाता है। जी जी, जी। और फिर आपने वो हज के अय्याम में ही वो छोड़ के आप वहाँ से निकल गए, तो उसका भी यही मकसद था कि इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे कि हम जो निकले हैं वो काबा की हिफाजत के लिए निकले हैं, काबा को बचाना है। वाह वाह वाह। तो मैं जैसे कि कबीला गिलानी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में इशारा किया दे दे। बुत शिकनी का जो वाकया है दे दे। ये अहम वाकया है फतेह मक्का का दे दे। और इन्होंने बहुत अच्छा फरमाया कि 10,000 का लश्कर है मुसलमान है, सब सहाबा हैं किराम हैं अजीम हैं, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब करते हैं पाक पैगंबर बुतों को तोड़ने के लिए, सिर्फ आपका इंतखाब करते हैं। मैं और क्या अर्ज़ करूँ, मैं इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि शायद नबूवत को ये इल्म था, शायद नहीं यकीन है नबूवत को ये इल्म था कि बुतों को तोड़ना है, तो बुतों को तोड़ने के लिए उसका इंतखाब किया जाए जिसने ज़िंदगी भर जो है कभी बुत परस्ती ना की हो। जिसने बुत परस्ती ना की हो, इसीलिए करम अल्लाह वजहो आपको कहा और बुत परस्ती के भी दो किस्में हैं, एक जाहिर बुतों की पूजा है जैसे बुत बने हुए थे खाने काबा के अंदर थे और बाहर भी थे, लोगों के घरों में भी थे, जेब में भी रखते थे, छोटे छोटे बुत जेब में भी रखते थे, निकाल लेते थे। मैंने तो तारीख में पढ़ा वो मिठाई के भी बुत, मिठाई के वो बनाते थे वो, जब इबादत का वक्त हो तो हाँ उसको बात कर लें और जब भूख लगे तो फिर। ये तो जाहिरी बुत है, लेकिन जो बातनी बुत है ख्वाहिशात, ये खुद बुत है, ये ख्वाहिशात की पैरवी करना ये खुद एक बुत है। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जो जिनका कोई अमल जो है वो रज़ा इलाही से जुदा नहीं है, अपनी ख्वाहिश से वो नहीं करते, दुश्मन पर वार करते हैं तो रज़ा इलाही में दुश्मन के सीने से पर सवार होकर फिर उतरते हैं, छोड़ते हैं रज़ा इलाही के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लिहाजा सिर्फ आपका इंतखाब किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर इन्होंने बयान किया कि जो है वो उस बुलंदी महसूस की उन्होंने, अभी मैंने इनसे पूछा फिर कि वो जब उतरे, जब खुद अपने आप को गिरा दिया ज़मीन पर उतरते वक्त खाने काबा के करीब, तो तबस्सुम फरमाया आपने। मैंने क़िबला साहब से हवाला पूछा तो इस किताब में भी है मदारिज नबूवा में, जब खुद वो गिरा दिया अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही बिल्कुल, तो आपने तबस्सुम किया, अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुराए, तो पाक पैगंबर फरमाते हैं यह अली क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो, फरमाया या रसूलल्लाह तबस्सुम इसलिए है कि इतनी बुलंदी से मैंने अपने आप को गिराया है कोई चोट नहीं लगी। वाह वाह वाह, कोई चोट नहीं लगी मुझे, तो महसूस ही नहीं हुआ। वाह क्या खूबसूरत जवाब दिया पाक पैगंबर ने, फरमाया या अली तुझे चोट कैसे लगे, उठाने वाला मोहम्मद और उतारने वाला जिब्राइल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या क्या खूबसूरत। जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, एक चीज़ जिसकी तरफ ये, क्योंकि हम फतेह मक्का के असबाक की बात कर रहे हैं ना, समरात की बात कर रहे हैं, तो कुछ तारीखी हकायक हमें पता होने चाहिए। तो उनमें जो सहाबा इकराम रसूलल्लाह के साथ दाखिल हुए और उन्होंने फतेह मक्का में हिस्सा लिया और फिर उससे पहले आपके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, तो ये तारीख में साबिकून के अल्फाज से याद रखे जाते हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दीं, जिन्होंने मक्का छोड़ा, जिन्होंने घर बार छोड़ा, जिन्होंने दौलत छोड़ी, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया ही छोड़ दी, वहाँ तो बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में गए वो साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम और अहले बैत अलैहिस्सलाम, और फिर कुछ लोग जिनको जिन पर शफ़क़त की गई, रसूलुल्लाह पाक रहमतुल्लिल आलमीन थे, अपनी रहमत बरसाई
और उनको तलका कहा गया कि आज तुम्हें आज़ाद कर दिया। तारीख़ इस्लाम में फिर दोनों तबका साथ साथ चले और इस्लाम की अज़ीम-ओ-शान जो तारीख है उसमें दोनों ने किरदार अदा किया, लेकिन जो साबिकून थे वो तो साबिकून ही हैं। फरमाइएगा क़िबला अब्दी साहब, ये बहुत अहम चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दिलाई और ये हमारी बेसिकली जो बहुत से मामलात हैं जिनमें कुछ चीज़ें हमारी समझ बूझ में नहीं आती वो इसी माखज़ बुनियादी को न देखने की वजह से जन्म लेते हैं। सही, बेसिक कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं, लेकिन अब बसाओकात हम सरसरी चीज़ को देखते हैं और ऊपर से गुज़र जाते हैं और उसी को हकीकत समझ लेते हैं, उसकी तह तक नहीं पहुँचते तो बहुत से मसाइल फिर जन्म ले लेते हैं और बात बहुत दूर तक निकल जाती है। ये उन्हीं चीज़ों में से जी असूली तौर पे हमें पता होनी चाहिए, असूली जो हमें नहीं पता उन्हीं चीज़ों में से है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि रिवायात में हदीस में हसन है, सही है, सही ले गैर ही है, सही ले जाते ही है, फिर ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ पे जाके हमारे यहाँ रोला पड़ता है। बस किसी बात को हम ये आम उमूमी तौर पे देख लेते हैं हमारा तबका, और आज अल्लाह माफ़ करे कि जो फ्रंट लाइन पे जो तबका आया हुआ है वो तो बिल्कुल ही अल्लाह ताला की पनाह में उन तबके से, और वो दीन के राबरा। मैं ये कहता हूँ कि तारीख से सबक तो आदमी हासिल करे, कुछ असूली बातें होनी चाहिए। इस तरह जिस तरह मैं एक मिसाल दे के आप अर्ज करूँ कि ज़ईफ, अब उमूमी तौर पे जो ही आप कोई बंदा कहता नहीं ये हदीस ज़ईफ है, उस ज़ईफ समझते हुए कि बंदा बस फौरन उठ जाते जी ये ज़ईफ है। अब ये नहीं पता होता कि ज़ईफ की कुछ अकसाम भी हैं, ज़ईफ की अकसाम भी हैं। ज़ईफ में से एक किस्म वो है जिससे अकाम भी साबित हो जाते हैं, ज़ईफ में से ही एक किस्म वो भी है जो बिल्कुल मर्दूद होती है। तो अब इसी तरह हमारे यहाँ जो ये लफ्ज सुनते हुए बहुत सारी चीज़ों में जो अस्साबिकून अल अव्वलून जो लफ्ज़ सहाबा है, ये भी अब किताबुल्लाह में आप सूरह तौबा में देखें तकरीबन 100 नंबर आयत से कुछ आगे पीछे जाके कुरान ने उनकी अकसाम को जिक्र किया। बिल्कुल इसी तरह जिस आयत को आपने जिक्र किया साबिकून अस्साबिकून, सुभान अल्लाह, तो उसका तो कुरान मजीद का वो लुत्फ़, मैं तो अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के हबीब ने जो दुआ फरमाई या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना, उसको पेश नज़र रख के अगर आप देखें ना कि अस्साबिकून अस्साबिकून, तो वो बुखारी की हदीस में एक समझ में अच्छा हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये आप जारी रखिएगा, हम आपसे ये आयत सुनेंगे जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने मौलाना साहब जी फतेह मक्का के मौके पे जो कुर्बानी देने वाले असहाब रसूल पाक के करीबी और जिस तरह फातिहाना अंदाज से लेकिन सब पर रहमत के अंदाज से दाखिल हुए, हमारा तो पूरा प्रोग्राम ही उस पर गुजरा, तो उनमें से जो साबिकून थे कुरान की जो भी जिक्र कर रहे थे मौलाना सैयद मिसबाउल हसन गिलानी साहब, क्या पुरलुत्फ़ आयात हैं कि जिनको पढ़ के और सुन के आदमी झूम उठता है, लुत्फ़ आ जाता है। फरमाइएगा क़िबला अब्दी साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद की उस आयत का लुत्फ़ तो हुज़ूर नबी पाक ने ये फरमाया ना कि अल्लाहुम्मा जलिल कुरान रबी कल्बी, कि या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बार बना, बेशक बेशक। अगर उस पैराए से देखा जाए, और एक बुखारी की रिवायत है जो हुज़ूर ने सैयदा खदीजा के बारे में जी जी सैयदा खदीजा के बारे में ये कहा कि जब सैयदा आयशा ने यह कहा कि आपको सैयदा खदीजा से मोहब्बत करते हैं, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला, ये नहीं बयान किया कि खदीजा ने यह किया, खदीजा ने मेरे लिए यह किया, एक जुमला बोला सरकार में खदीजा इन्नहा कानत व कानत, वो खदीजा तो खदीजा है,
सुभान अल्लाह। ये बुखारी के जुमले, खदीजा तो खदीजा है, यानी ये किसी चीज की जब इंतहा को बयान अजमत बयान करनी हो तो उसके लिए, यानी कोई और मिसाल दी नहीं जा सकती, नहीं दी जा सकती, वो तो अपनी मिसाल आप है। अब या असाबिकून असाबिकून, हाय हाय हाय, वो सबकत वाले, वो तो सबकत वाले हैं। क्या बात, अच्छा कैसे सबकत वाले हैं? एक तो कुरान ने बयान किया, जिनको फतह मक्का के मौका पे हुजूर ने मनाया उनके लिए तो लफ्ज, जिस तरह आपने जिक्र कर दिया, तुलका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और वो नबी पाक की हदीस से इस्तेमाल किया। जी जी जी, हदीस है अंतुमुत तुलका, हम हदीस क्या तो उसके लिए कुरान का, वो हमने तुम्हें आजाद कर दिया। जब उनकी अपनी बात हो तो वो तो वो है, जब दूसरों की बात हो तो मैं ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबल الفتح وقاتل, मैं बाद वाले फतह मक्का के बाद वाले और पहले वाले वो तो अलग अलग हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा पहले वाले हैं कैसे? कुरान ने उनकी अजमत को बयान किया, फरमाया अस्साबिकून अल्लवलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, सबकत वाले चाहे अव्वलून जो है वो मुहाजिर हों या अंसार। सुभान अल्लाह, अस्साबिकून अल्लवलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार। अच्छा मुहाजरीन अंसार और कुरान कहते हैं फिर नहीं नहीं आगे बढ़ो, वल्लज़ीन तबऊहुम, वो साबिकून अव्वलून तो दूर की बात है, वो मुहाजिर हों या अंसारी हो दूर की बात है, यहाँ बात सबकत की है मुहाजिर या अंसारी की नहीं है, चाहे मुहाजिर ने सबकत ली तब भी, अंसारी ने ली तब भी, वो तो रह गए वो। फिर कहा नहीं, वल्लज़ी नतबऊहुम बेहसानिन, जिन्होंने भलाई में उनकी पैरवी की वो भी, यानी जो उनके साथ लग गए उनके पीछे चलने वाले हैं लेकिन बे इहसानिन, उनकी पैरवी की इहसान के साथ। कुरान ने बयान किया कायदा, रदी अल्लाहु अन्हु, फरमाया जो मुत्तबे बिल एहसान है उन सब के लिए, रदी अल्लाहु अन्हुम, वो ऐसे हैं वो अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह उनसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुभानी साहब, अभी क्या खूबसूरत ये एक तारीख़ है ना, और हमारी तारीख़ है फ़तेह मक्का, उसके वाक़यात क्या खूबसूरत अंदाज़ में बयान हो रहे हैं। अब हमारा वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक पहलू और जो मैं देख रहा था कि ये अजीम वाक़या हुआ रूनमा, और अपनी पूरी बरकतों के साथ और अजमतों के साथ माफ़ी भी हुई, रहम भी हुआ, और एक अजीम शान फतह भी हुई। अब सबका शायद ये ख्याल था जो मैंने तारीख में पढ़ा कि रसूल अल्लाह अपने वतन को वापस आ गए हैं, तो अब यहीं क़याम फरमाएंगे। और जो मैंने तारीख में मुझे याद पड़ता है कि जो मदीने वाले थे वो थोड़े इस बात पे कबीदा खातिर हुए, परेशान हुए, गमजदा हुए कि रसूल इधर रह जाएंगे, लेकिन रसूल अल्लाह ने मदीना वापस जाने का फ़ैसला किया, ऐलान किया, जिससे जो वहाँ बसने वाले हैं उनके चेहरों पर ख़ास खुशी की लहर दौड़ गई। वो पहलू भी बयान कीजिएगा जी। ये भी फतेह मक्का का एक अहम पहलू है कि जब मक्का में आप तशरीफ़ लाए तो आपने जो अपने उनकी जो रिहाइश जहाँ थी पहले ना मक्का के दौरान जो क़याम था वहाँ पर आप तशरीफ़ नहीं ले गए, अपने लिए खैमा नस्ब फरमाया, तो अंसार के साथ उस खैमा के नीचे आपने क़याम फरमाया ताकि अंसार कहीं ये ना समझ लें कि ये तो अपने वतन में आ गए तो अपने इकामतगाह और अपने घरों और अपने उनकी तरफ चले गए, वो एहसास तन्हाई ना करें, यानी वहीं पर जो है वो आप रहमत आलम है क़याम फरमाया। और जो असल मकसद था वो तो शिर्क का जो मरकज़ जिसको बनाया था इन कुफार ने, उस मरकज़ को ख़त्म करना था, और वो जो है वो मरकज़ उसको रिवाइव करना, हाँ वो उसको रिवाइव, लिहाजा वो मरकज़ जो है वो नहीं रहा, तो उसके बाद आपने जो है वो हिकमत इसी में समझी कि वही मदीना जो है वो उसको जाए क़याम जो है उसी को करार दिया जाए, तो लिहाजा आप मदीने में जो है वो बाकी ज़िंदगी आपने वहाँ पर गुजारी, और उसके बाद जो मरकज़ था जो शिर्क का जो मरकज़ बनाया हुआ था वो जो है वो मरकज़ अब नहीं रहा, और क़यामत तक ये अब मरकज़ नहीं रहेगा। ये अब मौजूदा देखें, यानी कि उस वक्त से लेकर आज तक देखें, यानी खाने काबा जो है वो बुतों से पाक है, वो वो पाक है, कोई भी जो है वो इस पर वो नहीं कर सकता, तसल्लुत नहीं हासिल नहीं कर सकता, कोई जो है वो बुत इसमें नहीं वो रख सकता, वो ये महफूज है, ये महफूज है, और इस की हिफाजत में जो कुर्बानियाँ दी हैं
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بے شک فتح مکہ کے دوران جو صحابہ کرام موجود تھے مسلمان تھے ان سب کو آج اس پروگرام میں ہم سلام پیش کرتے ہیں. بے شک بالکل, ورنہ تو آج ہم ہماری کیا حالت ہوتی اگر یہ شرک کا یہ سلسلہ اسی طرح رہ جاتا تو ہماری کیا حالت. بے شک. لیکن میں البتہ ایک جملہ فتح مکہ کے سبق لینے کے حوالے سے نا ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ فتح مکہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو جو درس دیتا ہے وہ بت شکنی کا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کریں کبھی. اور بت کی دو قسمیں ہیں, ظاہری بت اور باطنی بت. تو لہذا ان دونوں بتوں کو توڑا جائے. تو اس لیے یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان اسی میں فتح مکہ ہوا ہے یہ واقعہ. لہذا یہ ماہ رمضان یہ مہینہ اس کا ہے کہ ہم بتوں کو توڑیں, خواہشات کے بتوں کو توڑیں ہم. جی خواہشات کو ہم. اچھا ہمارے پاس اب چند منٹس ہی ہیں اور دو سوالات ہیں میرے, ایک ایک میں سوال آپ سے کروں گا. آپ سے تو مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب, بت دو قسم کے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. یہ باطنی بت جب تک نہیں ٹوٹیں گے خواہشوں کے اغراض کے مفاد پرستی کے, امت مسلمہ کو فتح نصیب نہیں ہوگی نہ مادی نہ مانوی. ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے معصوم بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 32,000 شہید ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنے ہی ملبوں کے نیچے ہیں, اتنے ہی زخمی ہیں, وہ پکار پکار کے امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے امت مسلمہ کی غیرت. ہمیں کم از کم اب تو اپنی خواہشات, اپنے تعصبات, اپنے قبائل, ان کے بت توڑ دینے چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ اگر امت مسلمہ مل کے ان بتوں کو توڑ کے اور صرف ایک نظر اسرائیل پر ڈال دے کہ اگر اس نے ظلم بند نہ کیا تو ہم آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے صرف ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ چیزیں بند ہو سکتی ہیں. ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. آپ جی صاحب قبلہ ہمارے پروگرام کے اختتام پہ جا کے یہ بات آئی ہے, ابھی ہمارے پاس دو یا تین منٹ کم ہے. میں اتنا عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں بیٹھ کے یہ دیکھا جاتا ہے, کسی فرقے کی بات نہ ہو کسی کی بات نہ ہو, لیکن اگر امت مسلمہ کی بات ہو تو میں ایک حدیث سے بات کروں گا اور آپ کی وساطت سے مجھے اور ہم سب کو سوچنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا مومن ایک جان کی طرح ہیں, کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اگر کسی مومن کو مشرق میں تکلیف ہو تو مغرب میں اسے تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تکلیف کے بجائے کسی ٹی وی چینل پہ نام نہیں لیا جاتا, کسی ممبر سے نام نہیں لیا جاتا, کسی سحری میں نام نہیں لیا جاتا, کسی افطاری میں ہمارے ہاں نام نہیں لیا جاتا. جو لینے والے ہیں نام ان کو گھور کے دیکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں ان کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہے. تو نبی نے تو فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے, کسی ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو ہم یہ تصور سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان کہیں ایمان ہم سے چھن تو نہیں گیا, یہ کہیں خامی ہے ایمان تو نہیں, یہ کہیں. اور اگر ہے سوچنا اس پہ اس طرح چاہیے کہ میرے بچے کو اگر بخار ہوتا ہے میں سو نہیں سکتا, لیکن ادھر بچے بلک کے مر رہے ہیں اور میرے دل نہیں تڑپ رہا, تو اس کا مطلب ہے پہلے مجھے ان کی طرف دیکھنے سے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اور کلمہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, یہ زبان سے کیا ہوا ہے یا ہم نے بت توڑے ہیں. اور یہ بت جو توڑے جاتے ہیں اس چیز کا رولا یہی ہے, سیدھی سی بات ہے, صاف بات ہے. حضور نے فرمایا کہ بت جن چیزوں سے توڑے جاتے ہیں قرآن کتابیں ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا نا تو اللہ نے تمہیں رسول اور کتاب چھوڑا ہے. اب رسول اور کتاب, رسول ظاہری تو نہیں ہے. حضرت بیکیہ وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں جب رسول نہیں ہے کتاب موجود ہے تو دوسری چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ فرمایا دوسری چیز وہ نبی کی آل ہے. القرآن و مالین والین مال قرآن. فرمایا ایک قرآن کو رکھ کے لیکن قرآن پڑھا جائے دل میں علی کی محبت ہو یہ سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں. ہائے ہائے اللہ ایک ہی وار سے خیبر کی فتح بھی عطا فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا صاحب ہمارے پاس ایک منٹ ہے, ایک سے ڈیڑھ. میں چاہ رہا ہوں آپ کا بھی اس گفتگو میں ضرور حصہ ہو جائے کہ جو کچھ فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے. میں کہوں گا آپ وہ جو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ابھی جو آخری جمعہ آئے گا اس کو امام خمینی نے
पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स करार दिया। सबसे पहले इमाम खुमैनी ने ये आवाज़ बुलंद की थी आज से 40-45 साल पहले। पूरी उम्मत मुस्लिमा मिल के यौमुल कुद्स मनाए। ये फतह मक्का का एक अहम मैसेज उम्मत मुस्लिमा को यही है कि मुसलमानों को चाहिए, उम्मत को चाहिए कि वो तमाम बुतों को, नफसानी और दूसरे तमाम बुतों को वो तोड़ें और मुत्तहिद हो जाए। ख़ास तौर से इस वक्त जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, किस वजह से? सिर्फ ये कि मुसलमान हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द और जन सब पे जो है वो जुल्म हो रहा है। और वो इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग, अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। राह का ढेर है जी। और ये बहुत बड़ा इस वक्त जो है इम्तिहान है उम्मत मुस्लिमा का, और जिम्मेदारी जो है इन उम्मत से पूछा जाए, जैसे आपने फरमाया सही है, हर फर्द से भी पूछा जाएगा क़यामत के दिन, और उम्मत से भी पूछा जाएगा। इस वक्त जो हालत है उम्मत मुस्लिमा की, सब खामोश हैं, और ये इन बुतों की वजह से हैं। कोई हुकूमत के बुत की पूजा कर रहा है, कोई मालो दौलत की वजह से वो साथ नहीं दे रहा है। तो लिहाजा अभी ये जो जुम्मतुल विदा आ रहा है, इसमें हमें चाहिए सब मुसलमानों को कि इसमें भरपूर तरीके से, अच्छे भरपूर तरीके से शिरकत करें और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करें और जितना मुमकिन हो उनकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तकरीबन हो गया। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब आपका, मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई गो। अब हमने देखा, आपने भी महसूस किया कि ये फतह मक्का इस कदर अजीम शान वाक़ है और इसमें तारीखी हवाले से इतने असबाक मुजमिर हैं कि अभी भी पूरी तरह हम अहाता नहीं कर पाए, लेकिन उलमाए कराम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बेशक ऐसा ही है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। जाते जाते ज़हीर अब्बास साहब से गुजारिश के आप कलाम पेश करें। मोमिन की पहचान अली है, मोमिन की पहचान अली है, वलियों का सुल्तान अली है, मोमिन की पहचान अली अली है, मोमिन की पहचान अली है, वलियों का सुल्तान अली है, हसन हुसैन है मोती जिसके, हसन हुसैन है मोती जिसके, वो हीरों की कान अली है, वो हीरों की कान अली है, वलियों का सुल्तान अली है, जिसकी दीदर इबादत ठहरी, जिसकी दीदर इबादत ठहरी, जिसकी दीदर इबादत ठहरी, वो कामिल इंसान अली है, वो कामिल इंसान अली है, वो कामिल इंसान अली है, वलियों का सुल्तान।